इस वीडियो में हम यही सीखेंगे कि ई कोच ऐप पर आपने जितने भी परिवारों का परिवार सर्वेक्षण सर्वे किया हुआ है, उन परिवारों में अगर किसी नए सदस्य को आपको जोड़ना है तो किस प्रकार से आप जोड़ सकते हो, इस वीडियो में हम यही सीखेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम अपने मोबाइल की स्क्रीन पर आ जाते हैं और यहाँ पर ई कोच ऐप को ओपन कर लेते हैं। ई कोच ऐप को ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस टाइप का पेज दिखेगा। अब आपको यहाँ पर यूजर आईडी पासवर्ड डाल करके ई कोच ऐप में लॉगिन करना है। यहाँ पर लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करना है, आप ई कोच ऐप में लॉगिन हो जाएंगे। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं हम। अभी आप देख पा रहे होंगे कि हम ई कोच ऐप में लॉगिन हो चुके हैं। अब आपको यहाँ पर दो तरीके होते हैं सदस्य को जोड़ने के लिए परिवार में। हम यहाँ पर दोनों तरीकों को देखेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले तरीके को देख लेते हैं। मेरे लाभार्थी वाला ऑप्शन जो दिख रहा है आपको, इस पर क्लिक करना है और आपको स्क्रॉल करना है ऊपर की साइड में। अब नए सदस्य को जोड़े का ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको इस टाइप का पेज दिखेगा। अब आपको सबसे पहले उस परिवार को सिलेक्ट करना है जिस परिवार में आपको सदस्य को जोड़ना है। यहाँ पर कन्फ्यूजन क्या हो जाती है कि जैसे एक नाम से काफ़ी सारे परिवार हो जाते हैं, तो आप यहाँ पे सभी परिवारों का विवरण नहीं देख पाते हो, तो अच्छी तरीके से नहीं समझ पाते हो कि इसी परिवार में मुझे जोड़ना है या कोई दूसरा परिवार। अगर ज़्यादा परिवार नहीं है एक नाम से तब आपको दिक्कत नहीं होती है, लेकिन अगर एक नाम से काफ़ी सारे परिवार होते हैं तो आपको वहाँ पर प्रॉब्लम होती है। जैसा कि मैं सर्च करता हूँ, कमलेश नाम के मुखिया हैं, उन परिवार में मुझको जोड़ना है, तो मैंने उनका नाम सर्च किया। अभी आप देख रहे होंगे कि काफ़ी सारे नाम हमारे सामने आ रहे हैं, 3-4, तो यहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाती है। इसलिए इस तरीकों को मैं अवॉइड करता हूँ कि ये तरीका अच्छा नहीं लगता मुझे, यहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाती है, तो मैं दूसरे तरीके पे आपको ले चलता हूँ। यहाँ से मैं बैक होता हूँ और यहाँ से आपको सबसे अच्छा तरीका बताता हूँ। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख रहा होगा परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण रजिस्टर, तो आपको इस पर क्लिक करना है ऊपर वाले ऑप्शन पर, और यहाँ पे आपके सामने कुछ इस टाइप का पेज दिखेगा। अब आपको यहाँ पे परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण का जो ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे आशा के क्षेत्र का पहले चयन कर लेना है। यहाँ पे चयन कर लेंगे और नीचे से अगला आगे बढ़े का ऑप्शन जो दिख रहा है, इस पर क्लिक करके आगे बढ़ेंगे तो आपके सामने कुछ इस टाइप का पेज दिखेगा। अब आपको यहाँ पर सर्च फैमिली का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है और उस फैमिली को सबसे पहले सर्च कर लेना है। तो इस टाइप से मैं फैमिली को सर्च कर ले रहा हूँ, तो हमारे सामने देख रहे होंगे कि कमलेश नाम के मुखिया हैं, तो इनके परिवार में मुझे एक सदस्य को जोड़ना है, इनके जो भाई हैं। तो जोड़ने के लिए देखेंगे काफ़ी सारे नाम कमलेश के नाम से आ रहे हैं, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इस परिवार पे स्टेप एक एक करके सभी परिवार पे क्लिक कर लेना है कि इसी परिवार में मुझे जोड़ना है कि नहीं जोड़ना है। तो जैसे मुझे इसी परिवार में जोड़ना है तो मैं सबसे पहले ऊपर वाले नाम पर क्लिक करता हूँ, या नीचे आगे बढ़े अगला का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करता हूँ तो आपके सामने परिवार के सभी सदस्य का नाम आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी कि मुझे इसी परिवार में जोड़ना है या नहीं। जब सभी सदस्यों का नाम दिख जाएगा तो आप आसानी से समझ पाओगे कि इसी परिवार में मुझे इस सदस्य को जोड़ना है, इसलिए ये तरीका सबसे अच्छा मुझे लगता है। मैं यहाँ पर ब्लर कर दिया हूँ क्योंकि कॉपीराइट आने का इशू रहता है, आप यहाँ पर अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे, ठीक है। मैं स्क्रॉल करता हूँ, अब आपको स्क्रॉल करके ऊपर सबसे नीचे आना है और यहाँ पे नया सदस्य जोड़े का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो इसी परिवार में आप उस सदस्य को जोड़ पाएंगे। इस पर क्लिक करेंगे, नए सदस्य जोड़े, और आपको अपने मोबाइल का लोकेशन ऑन कर लेना है कुछ इस टाइप से। बिना लोकेशन ऑन करे आप परिवार को सदस्य को जोड़ नहीं पाओगे। तो मैंने लोकेशन ऑन कर दिया, अगर आपका सरकारी फ़ोन होगा तो ऑटोमेटिक उसमें लोकेशन ऑन रहता है। तो यहाँ पर आप सबसे पहले सदस्य का फर्स्ट नाम डालेंगे, नाम डालने के बाद स्क्रॉल करेंगे और नीचे आप लास्ट नाम डालेंगे, तो मैं इनका फर्स्ट और लास्ट नाम डाल दे रहा हूँ, सॉरी इनका नाम दिनेश है, तो मैं दिनेश कुमार इनका नाम डाल चुका हूँ। और यहाँ से अगला आगे बढ़े का ऑप्शन जो दिख रहा है, इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ से मुखिया के साथ क्या संबंध है इनका, उसको आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो ये मुखिया के भाई हैं, तो मैं यहाँ पे ऑप्शन में भाई सिलेक्ट करता हूँ, भाई हैं, और नीचे से फिर से अगला वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे और यहाँ से लिंक का चयन करना है आपको।
ये पुरुष हों तो मैं पुरुष पे क्लिक करता हूँ, महिला होती तो महिला पे करते, और ये विवाहित हैं अविवाहित हैं तो यहाँ पर आपको विधवाएँ क्या हैं आपको इस ऑप्शन को भी यहाँ पे आपको देना होगा। तो ये विवाहित हैं तो मैं विवाहित पे क्लिक करता हूँ, अगला आगे बढ़े के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पर आप इनकी जन्मतिथि डालने का ऑप्शन है, तो आपको जन्मतिथि जैसा कि आधार कार्ड में है वैसा आप सेम इनका जन्मतिथि डालेंगे। आधार कार्ड आप पहले सदस्य का ले लेंगे, तो मैं जन्मतिथि इनकी डालता हूँ। तो इस टाइप से मैं जन्मतिथि डालूँगा, स्क्रॉल करता हूँ, और आपको यहाँ पे कैलेंडर का ऑप्शन क्लिक करके कुछ इस टाइप से जन्मतिथि इनकी डाल देनी। तो जन्मतिथि हमने डाल दी, अब फिर से अगला का ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे मोबाइल नंबर डालने का ऑप्शन भी आता है, तो आप अगर मोबाइल नंबर है तो आप जरूर डालें। तो मैं मोबाइल नंबर भी इनका डाल दें, कुछ इस टाइप मोबाइल नंबर डाल देंगे। मोबाइल नंबर हमने डाल दिए और यहाँ से अगला आगे बढ़े का ऑप्शन क्लिक करेंगे और यहाँ पे आधार नंबर भी जरूर डालेंगे आप। हमने आधार नंबर डाल दिए और इनके पास अगर आयुष्मान कार्ड है तो उसकी आईडी आप यहाँ पर जरूर दर्ज करेंगे। इनके पास नहीं है तो मैं नहीं करके आगे बढ़ता हूँ। और यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता भी आपको डाल देनी है, कितना ये पढ़े हुए हैं, तो इन्होंने ग्रेजुएशन किया हुआ है, तो मैं ग्रेजुएशन स्नातक वाले ऑप्शन क्लिक करके आगे बढ़ता हूँ। और यहाँ से कोई बीमा है तो आप बीमा दे सकते हो, इनके पास कोई बीमा नहीं तो मैं यहाँ पर नहीं करता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। और यहाँ पर आप इसमें कोई ये पढ़ लेंगे, ये कोई प्रॉब्लम तो नहीं, इनको कोई समस्या हो तो आप सेलेक्ट करेंगे, नहीं है तो आप कोई नहीं हुआ ऑप्शन पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। और यहाँ से आपको यहाँ पर इनकी डायरेक्ट आभा आईडी भी बना देनी है, तो आपको आभा आईडी बनाने के लिए अगला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से अगर अभी नहीं बनाते अभी के लिए छोड़ दें इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो ये आप बाद में बना पाएंगे। अगर आपको अभी बनाना है तो आप इस पर आभा नंबर बनाए वाले ऑप्शन पे क्लिक करके अभी से बना दें। कोशिश करिएगा कि आप ऑनलाइन ही बनाएं, अगर आपको ओटीपी मिल जाती है तो आप ऑनलाइन बनाएं, वरना आप ऑफलाइन भी बना सकते हो। तो मैं ऑफलाइन बनाना चाहता हूं उनका, तो आधार जनसंख्या प्रमाणीकरण वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं इनका आधार नंबर डाल देता हूँ। और यहाँ से हमने डेट ऑफ बर्थ पहले से डाला हुआ है, मोबाइल नंबर डालेंगे अभी जो हमने मोबाइल नंबर इनका, मैं मोबाइल नंबर भी डाल देता हूँ। मोबाइल नंबर डालना है और आपको जैसा कि आधार कार्ड में है उसी तरीके से एकदम हूबहू आपको जो है नाम यहाँ पे डालना है जैसा कि आधार कार्ड में हो, तो इंग्लिश में ही डालना है आपको, हिंदी में नहीं डालना है। मैं इंग्लिश में डाल देता हूँ, तो हमने यहाँ पे डाल दिया और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। दोनों चेक बॉक्स को आप टिक करेंगे और यहाँ से रजिस्टर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, फिर ओके करेंगे। तो ये जो है अभी जो है इनका नाम भी बढ़ चुका है, हमने आभा आईडी बनाई है। और यहाँ पर आप मैं डाटा दर्ज करना चाहती हूँ इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है आपको, और यहाँ से अगला के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आगे बढ़े, तो आप आगे बढ़ेंगे फिर से जमा करने का ऑप्शन आएगा, आप यहाँ पे जमा कर देंगे। ओके, अब आप क्या करना है, यहाँ से बैक हो जाना है और यहाँ से जब इस टाइप का पेज दिखेगा आपके सामने और यहाँ से आपको सिंक कर देना है। सिंक करने के बाद आपको कार्य की स्थिति के ऑप्शन पर टैप करके
आपको देख लेना है कि आप अभी जो आपने अपडेशन किया वो हुआ कि नहीं। तो अभी आप देख रहे होंगे दिनेश कुमार के नाम से हमने अभी सदस्य को बढ़ाया, तो ये अपडेट हो चुका है। सो आज की वीडियो यही था। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।